हेलो फ्रेंड, तो आप लोग जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर जो अभी रिसेंटली जो है RSSB का वैकेंसी आउट हुआ है, तो मोस्टली बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सिलेबस क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो उन सबों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट पे यहाँ पे वैकेंसी निकली थी आपका यहाँ पे जो है। तो इसमें देखिए टोटल जो पोस्ट है आपका, टोटल यहाँ पे जो पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की ही बात करेंगे। तो टोटल आप लोगों ने फॉर्म राजस्थान वालों ने अप्लाई किया होगा, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल जो है आपका फॉर्म है, आपका मतलब सीट है टोटल आपका, ठीक है। तो RSSB का जो भी आपका यहाँ पे वैकेंसी है JEE का, तो इसमें आपका डिप्लोमा और BTECH दोनों को लागू करता है। तो आई थिंक यहाँ पे टोटल जो है आपका एक तरीके से 55 सीट है आपके लिए, और राजस्थान वाले जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया होगा तो ये वीडियो उनके लिए है। और बाकी अदर स्टेट वाले भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो देखते रहिए। पेपर के पैटर्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, और हो सकता है कि लास्ट ईयर जो पेपर हुए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे जो है पेपर भी सॉल्यूशन किया जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल जो है तो आपके 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स के होंगे, ठीक है। नॉन टेक आपका होगा 40 नंबर का, और टेक्निकल होगा आपका 80 नंबर, और टोटल आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। जो लोग राजस्थान से हैं उनको इजीली पता है कि आपका राजस्थान का पूरा GK ही आता है आपका इसमें, ठीक है। जो भी कैंडिडेट UP से अप्लाई कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो लोग राजस्थान का GK जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा चांस रहता है कि आपका 36 क्वेश्चन तो आपका राजस्थान से ही रहता है, और 3 से 4 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो वही आपका करेंट अफेयर अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन मोस्टली आपका जो है राजस्थान का GK आपको देखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल के लेवल का तो इजी टू मॉडरेट ही रहता है आपका, ठीक है। इजीली आप 80 में से जो है 75 तक आप टच कर सकते हो आराम से, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए तो 75 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अभी तक का जो पेपर का पैटर्न रहा हुआ है, ठीक है। 70 से 75 ईजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका पेपर का पैटर्न है, और सिलेबस को अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं तो सिलेबस में जो है आपका देखो राजस्थान का GK तो आपको पढ़ना ही है। अब राजस्थान में GK में आप यहाँ पे देख सकते हो कि राजस्थान के इतिहास आपको पढ़ना है, कौन कौन से राजपूत, मुगल राजपूत संबंध, ठीक है। स्क्रीन पे आपको जो दिया गया है ये आप पूरा का पूरा आपको राजस्थान से कवर करना है, आपको मतलब राजस्थान का GK आपको पूरा क्लियर करना है। स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा और इसका स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा राजस्थान का GK और भूगोल आपको क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपके 40 नंबर आएंगे। अब हमें यहाँ पे जो है बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो जिसमें आपका देखो इलेक्ट्रिक सर्किट से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टेक्निकल का देखो मैं पेपर आपको सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। 2020 में जो है, और 20 में आपके, और एक 21 में पेपर हुआ था, ठीक है। तो दो पेपर मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा, और पेपर भी सॉल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग, हर एक पेपर में क्या और भी क्वेश्चन बन सकता है नहीं बन सकता, सारी डिटेल भी आपको पेपर के साथ ही मैं बता दूंगा। तो पेपर आपको जो है सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट से आप यहाँ पे देख सकते हो KVL नॉर्मल KCL आता है आपका, नोडल एनालिसिस आता है, 2 पोर्ट नेटवर्क से भी क्वेश्चन आता है आपका, मैंने देखा हुआ है। और आपका जो जो क्वेश्चन आएंगे इजिली मैं सब आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर सॉल्यूशन कर मतलब जब कराऊंगा तो आपको उसमें पूरा क्लियर बता दूंगा किस किस के लेवल के क्वेश्चन आए, ठीक है। नॉर्मल आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आने आए, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक सर्किट से आपका। तो जो भी अगर RSSB आप फॉर्म अप्लाई किए हो तो आप जो सिलेबस जरूर देख लीजिएगा। फील्ड थ्योरी आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से आपको देखने को क्वेश्चन मिलता है। मटेरियल से भी क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके मटेरियल से भी होते हैं आपका। मेजरमेंट से आपका ज़्यादातर आपका ट्रांजूसर से क्वेश्चन आपका आपका इस टाइम जो है पूछा जा रहा है, जैसे SCR OCR हुआ आपका, क्या वो LVDT, ये सब जितने भी ट्रांजूसर हैं आपका वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन से बेसिक क्वेश्चन आपके रहेंगे, जैसे कि बेसिक में अगर आप जीना डाउट ये सब अगर छोड़ दो, ये सब तो इजीली आप पढ़ते ही हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन, इसके बेसिक एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो अभी ट्रेन चॉपर का है, चॉपर से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, फिगर से रिलेटेड, छोटे मोटे न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। कन्वर्टर से फिगर देके पूछा जा रहा है, छोटा सा फार्मूला पूछा जा रहा है आपका, GTO आ रहा है MOSFET। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को देख के मैं बता रहा हूँ, और ये जो सिलेबस है ये भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है।
तो पेपर भी सॉल्यूशन जब कराऊंगा तो इजीली आप उसमें आप देखिएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा हुआ है, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम का देखो बेसिक क्वेश्चन होंगे, अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म तो आपको इजीली कंट्रोल सिस्टम में आपका स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आएंगी, ओपन लूप क्लोज लूप के कुछ सिंपल एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, कौन फ्रीक्वेंसी डोमेन है कौन टाइम डोमेन है, बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपका नॉर्मली बहुत ही कम क्वेश्चन रहे हुए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते ही हैं। पावर ट्रांसमिशन से देखो, पावर सिस्टम से भी क्वेश्चन आपके रिसेंटली जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है आपका RSSB का, तो वहाँ से भी आपके पावर सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, स्विच गियर प्रोटेक्शन से भी आपके क्वेश्चन थे। तो ये आपका एक तरीके से ऑफिशियल सिलेबस है, आप इसको देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको सिलेबस में पूरा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो लोग भी अगर फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो ईज़िली फॉर्म बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा, राजस्थान वाले भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा, अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यही सिलेबस है और मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्यूशन कराऊंगा RSSB का। रिसेंटली 2020 और 21 में दो पेपर अभी रिसेंटली हुए हैं, तो वो उसका पेपर जो है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा आपको, जिससे एक मोटा मोटी अंदाज़ा भी लग जाएगा आपका कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा अदर स्टेट के लिए। बाकी टेक्निकल में कुछ चीज़ें हैं वो आप वहाँ से कर सकते हो इजिली, अगर आपका बैकअप बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अदर स्टेट के लिए, क्योंकि राजस्थान के लिए जो कैंडिडेट राजस्थान से है उनके लिए वहाँ का GK और वो सब बहुत ही नॉर्मल होता है आपका, ठीक है। तो अदर स्टेट अगर आपने अप्लाई किया तो राजस्थान का आपको देखना ही होगा, कि जैसा कि मैंने बताया कि 35 से 37 क्वेश्चन आपके वही होंगे, आपका 3 से 4 क्वेश्चन अगर करेंट अफेयर आया तो वो अलग चीज़ है, लेकिन पूरा का पूरा आपका यही रहेगा आपका क्वेश्चन राजस्थान का स्टैटिक GK से ही क्वेश्चन। तो ये छोटा सा अपडेट था, हम लोग बहुत ही जल्द जो है इसका जो पेपर जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक 20 में पेपर हुआ है और एक 21 में पेपर हुआ है, दो पेपर में यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। इसका प्लेलिस्ट आप यहाँ पे विजिट करिएगा RSMSSB का, ठीक है, राजस्थान JEE का प्लेलिस्ट बना होगा, तो उसमें ये सिलेबस का मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि क्या सिलेबस है आपका, कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। टाइम देखो, टाइम सही रहता है, क्वेश्चन का लेवल सही रहता है, आप 2 घंटे 120 क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर ये आपको आ रहा है तो काफ़ी कम टाइम लगेगा, इसमें जो है 15 से 20 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है, बाकी थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो ईजिली आपको 2 घंटे आपको ईजिली हैंडल, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है। 80 और 40 का जो रेशियो आपको एक एक मिनट में एक एक क्वेश्चन करना है, तो ईजिली हो जाएगा आपका, ठीक है, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लेलिस्ट में आ रहा है, प्लेलिस्ट इस नाम से बन जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे दो पेपर में जो रिसेंटली 20 और 21 में हुए हैं उसको मैं क्लियर कराऊंगा, कैसे कैसे पेपर क्वेश्चन बने हुए हैं। और सिर्फ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पेपर ही सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा मैं, पेपर के साथ साथ हर एक पैटर्न आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं आज के टाइम में, कहाँ से आपको बनाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी जब आप पेपर का डिस्कशन आप देखोगे तो, ठीक है। तो यही छोटा सा अपडेट था आपके लिए, जो लोग भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उनके लिए पेपर भी सॉल्यूशन हो जाएगा और ये आपका सिलेबस भी आपका हो गया। जो लोग नहीं अप्लाई किए हैं इजिली आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। यही छोटा सा अपडेट था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।